दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो 2 मिनट का समय निकालकर वीडियो को पूरा देख लीजिए, नहीं तो आज आप एक अच्छी जानकारी मिस कर जाएंगे। तो भैया लोग, कैसे हो आप लोग? आज की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैन कार्ड डाउनलोड करने के बारे में। अगर आपने पैन कार्ड बहुत पहले बनवा लिया था, या फिर अभी आपने बनवाया है, या फिर आपने कुछ उसमें सुधार किया है, या फिर कुछ आपने एडिट करवाया है अपना नाम या फिर फ़ोटो, तो हम उसे अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे डाउनलोड करेंगे और कितने तरीके हैं पैन कार्ड को डाउनलोड करने के, कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, चाहे वो आपने कहीं से भी बनवाया हो। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो, हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैन कार्ड 3 जगह से बनाया जा सकता है। पहला है NHDL, सेकेंड है UTI और तीसरा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने NHDL से पैन कार्ड बनाया है, तो आप UTI से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार, अगर आपने पैन कार्ड UTI से बनवाया हुआ है, तो आप NHDL से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है, तो आपने जहां पे भी पैन कार्ड बनवाया है, आप उसी के वेबसाइट से पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम में से किसी को भी पैन कार्ड बनवाना होता है, तो हम किसी एजेंट के पास जाते हैं, या फिर हम किसी ऐसे शॉप पे जाते हैं जहाँ पर भी पैन कार्ड बनाने का कोई एजेंट बैठा रहता है, जो हमारे पैन कार्ड को बना देता है। तो दोस्तों, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि वो पैन कार्ड कहाँ से बनाया गया है, NHDL से बनाया गया है कि UTI से बनाया गया है, उसका प्रोसेस कहाँ से किया गया है। तो दोस्तों, ये पता कैसे करेंगे कि हमारा पैन कार्ड कहाँ से बना है? देखिए, जब भी आप पैन कार्ड आपका बन के आएगा, तो आप अपने पैन कार्ड के पीछे देखेंगे, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है आपका पैन कार्ड अगर NHDL से बना है, तो वहाँ पर NHDL का ऑप्शन लिखा होगा, या फिर अगर आप UTI से बना है, तो वहाँ पर UTI का ऑप्शन होगा। दोस्तों, जिसका भी पैन कार्ड जहाँ से बना हुआ है, उसका जो ऑप्शन होता है, वो पैन कार्ड के पीछे आपको मालूम पड़ जाता है। जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने दोनों पैन कार्ड को रख दिया हूँ, केवल आपको समझने के लिए कि कौन सा NHDL से बना है और कौन सा UTI से बना है। अब जिन लोगों का NHDL से बना हुआ है, दोस्तों उनको NHDL की वेबसाइट पे जाना है, जैसा कि आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो जैसे ही आप NHDL की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ आपको डाउनलोड ई पैन कार्ड का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है, इसके नीचे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, इसके नीचे आपको एक टिक करने का ऑप्शन बना हुआ है, तो यहाँ से टिक करने के बाद सबसे नीचे आपको कैप्चा डालने का ऑप्शन आता है, तो कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे शो होगा, आपका मोबाइल नंबर शो होगा, ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे शो होता है, फिर उसके बाद आपका पिन कोड यहाँ पे शो होता है। तो जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसके बाद सबसे नीचे आप देखेंगे कि पैन कार्ड को डाउनलोड करने से पहले यहाँ पर एक OTP वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आप OTP को मोबाइल नंबर पे मंगाना चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी मंगाना चाहते हैं, तो यहाँ नीचे एक सबसे पहले बूथ लिखा हुआ है, तो आप बूथ पे क्लिक करके यहाँ पे टिक मार करके उसके नीचे यहाँ जनरेट OTP पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जो आपका OTP है, वो आपके ईमेल आईडी पे भी जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज में आपको अपना OTP डालने के बाद, उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपको लास्ट पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको लिख रहा है डाउनलोड ई पैन कार्ड PDF फाइल, नीचे आपको डाउनलोड ई पैन XML का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, यानी फर्स्ट नंबर पे। तो जो आपका पैन कार्ड है, वो PDF रूप में आपके मोबाइल फ़ोन या फिर PC में डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद PDF को डाउनलोड करने के बाद, जैसे ही आप ओपन करेंगे, पासवर्ड में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना है। ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनका पैन कार्ड अभी अभी हाल ही में अपडेट किया है, यानी कुछ नाम या फिर आपने कुछ फ़ोटो अपने पैन कार्ड के अंदर अपडेट करवाया है 25 दिन 30 दिन के अंदर, जो आपने अपडेट किया है सिर्फ उन्हीं के लिए है। और जिन लोगों का पैन कार्ड पुराना डाउनलोड करना है, यानी अभी फ़िलहाल में कोई अपडेट नहीं किया है, पैन कार्ड उन्होंने पहले बनवाया था, उसकी PDF फाइल डाउनलोड करना है, तो सेम यही प्रोसेस आपको दोबारा से करना है। जैसा आप स्क्रीन पर आप देखो, आपको NHDL की वेबसाइट पे चले जाना है, उसके बाद यहाँ आपको पैन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको राइट साइड में देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका जो पैन कार्ड पुराना आप डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर ₹8.26 का चार्ज देना होता है। ये जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चार्ज लेता है, जो आपको पे करना है। तो आपका जो पुराना पैन कार्ड है, आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको चार्ज देना है, ठीक है। तो इसे आपको डाउनलोड करने के लिए सेम वही प्रोसेस करना है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया। तो लास्ट में जब आप अपना OTP वगैरह डाल के कंफर्म कर देंगे, तो लास्ट में आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ आपको कंटिन्यू विद पेड ई पैन कार्ड डाउनलोड फैसिलिटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको कहा जा रहा है कि आपको पहले पे कर देना है पैसे, फिर उसके बाद पैन कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ आप
पेमेंट करने के लिए कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद लास्ट में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन कहता है, तो आप पेमेंट वॉलेट से पेटीएम के थ्रू या फिर किसी यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट को कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ से आप पीडीएफ फाइल में अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद हम यूटीआई पोर्टल की बात करता हूँ, तो जिन लोगों का पैन कार्ड यूटीआई से बना हुआ है उनको यूटीआई की वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर उसके पोर्टल पर जाना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको पैन कार्ड नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सेम वही प्रोसेस है इसके अंदर भी। तो ये सब करने के बाद दोस्तों लास्ट में आपको वही पैन कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन खुल जाता है। इसके अंदर कैप्चा एप्टर डालने के बाद जब आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो अंत में आपको यहाँ पर पैन कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो सेम यही प्रोसेस है दोस्तों, जैसा मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, तो सेम यही आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ओटीपी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब फिलअप करने के बाद नेक्स्ट करते जाइए। इसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के वेरिफिकेशन करने के बाद पैन कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आप अपनी पीडीएफ फाइल के रूप में अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका पैन कार्ड पुराना है दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपको सेम वही चार्ज देना होता है जैसा कि वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर आप पेमेंट अपना वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह जैसा आप करना चाहें पेमेंट करके उस यूटीआई की वेबसाइट से पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो इनकम टैक्स पोर्टल खोल लेना है, वहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस करना है। दोस्तों मैं आपको इन तीनों वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटिव आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। हैव ए गुड डे।